हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम के 4 बजे हैं और आप देख सकते हैं एक कितनी खूबसूरत जगह है। एफएडी फील है, तो यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैफिक है, ना कोई पोल्यूशन है। बस आप ड्राइव करते जाओ और सीनरी के, खूबसूरत सीनरी के मज़े लेते जाओ। तो आज हम लोग जा रहे हैं सामदेपुर नाम की एक गांव पे, जो कोकरसर टाउन के लगभग 16 या 17 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने 6-7 घर के महिलाओं को बुलाया है, तो ये लोग हम लोगों को दिखाएंगे सिल्क वर्म के कोकून से कैसे थ्रेड बनाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थ्रेड जो उन लोगों ने बनाया है, और इसका प्राइस ₹40-50 होता है पर पीस। सो ये लोग अभी बना रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉकून्स, सिल्कवर्म के कॉकून्स है। इसको पहले बॉईल किया जाता है, उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाता है, तब जाके उसको थ्रेड बनाते हैं। तो ये महिलाएं बना रहा है। इन लोगों के पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है, सो ये लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करके पहले से बनाते आए हैं। दो स्टिक यहाँ पे यूज़ किया जाता है, एक स्टिक में रोल करने के लिए थ्रेड को, और दूसरा स्टिक में कोकून्स को रखते हैं और कोकून्स को उंगली से खींचते हैं, खींच के उसको थ्रेड बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये महिला कैसे खींच रहे हैं। तो ये इसके बाद उसको रोल करेंगे। दिन के खाना खाने के बाद ये महिलाएं एक साथ इसको बनाने में लग जाते हैं। एक साथ बनाने में इन लोगों को अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और दिन का पता नहीं चलता है कि कब दिन बीत जाते हैं। तो इसी तरह ये लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो आप लोग देखिए ये इन लोगों का फाइनल प्रोडक्ट, एक खूबसूरत सी सोल जिसको उन लोगों ने कोकून के थ्रेड से बनाया है। तो ये बहुत कॉस्टली होता है, 5000 to 7000 इसका प्राइस है, और ये बहुत साल तक जाता है। इसको धोने के बाद भी बहुत साल तक ये लास्टिंग होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे नया वीडियो के साथ। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट दीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय।